बच्चा पैदा करने के लिए कितने बार संभोग करना चाहिए, ऐसा सवाल काफी लोग पूछते रहते हैं। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो लोग आते हैं कि भाई बच्चा एक साल हो गया शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है, कब करना चाहिए संभोग? हम तो संभोग बराबर करते हैं, रोज करते हैं, और बच्चा नहीं हो रहा है। फिर जब डिटेल में जाते हैं ना, तो फिर मालूम पड़ता है कि वो गलत दिन पे संभोग कर रहे हैं। क्योंकि गलत दिन पे संभोग करना ये गलत है, उसमें बच्चा पैदा नहीं होता। तो सही दिन कौन से है? और उस दिन आप एक बार भी करते हो ना संभोग, तभी बच्चा पैदा हो सकता है। तो क्या है कि ओवम जो तैयार होता है, एग, स्त्री बीज, तो वो जब महामारी चालू होती है उस दिन का पहला दिन समझ हम समझते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले दिन से 14वें दिन, 14th डे, वो स्त्री बीज या अंडा तैयार होता है। अभी आंकड़े अप्रोक्सीमेट है, अंदाजन है, 14वें दिन। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वो 14वें दिन होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 14वें दिन अंदाज है। तो फिर वो 10वें दिन भी हो सकता है, 11वें भी हो सकता है, 15वें भी हो सकता है। इसलिए क्या करना है कैलकुलेशन कि MC चालू होने के दिन वो पहला दिन पकड़ना है, और वहाँ से 11th डे, 11वां दिन, तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 11 से 17 दिन, ये बहुत महत्व के है। और उस दिन संभोग होना चाहिए। संभोग होके वो बराबर वीर्य अंदर जाता है, तो स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है, वो जो स्त्री बीज निकलता है उसको मिलेंगे, और फिर उनका संयोग होके बच्चा पैदा होगा। ये जो शुक्राणु है वो 2 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं। तो वो पीरियड में रोज किया तो अच्छा ही है, बेटर है रोज किया तो, और चांसेस ज़्यादा है। तो फिर जब 11 से लेकर 17 दिन तक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 17 दिन के बाद और MC चालू होने के पहले, पहले दिन के पहले के दिन, तो 17 दिन के बाद से लेके MC के शुरू होने से 10वें दिन तक, ये पीरियड जो है उसमें बच्चा पैदा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि MC चालू हो गई उसके 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, अप्रोक्सीमेट सभी 7 दिन पहले और 7 दिन बाद बच्चा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये 14 दिन छोड़ दिए तो बाकी दिन बच्चा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिनकी रेगुलर साइकिल है, जो औरत उनकी एकदम रेगुलर साइकिल है 28 दिन की, उनको 11 से 17 दिन, जिनको इरेगुलर है वो ये 14 दिन छोड़ दो, बाकी 14 दिन में कभी भी बच्चा हो सकता है, क्योंकि साइकिल इरेगुलर है। मतलब कभी 35 दिन में साइकिल आती है, कभी 22वें दिन में साइकिल आती है, कभी 25वें दिन में साइकिल आती है MC की। तो इसलिए जब आपको मतलब बच्चा नहीं चाहिए तो ये 11 से 17 दिन छोड़ना चाहिए, बच्चा चाहिए तो उसमें होना चाहिए। तो फिर हम क्या बोलते हैं, जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है उनको हम बोलते हैं कि अभी आपको उस समय तो रोज करना ही है, 7 दिन तक तो रोज करो, 11th डे से 17th डे तक रोज करो, तो फिर उस समय आपको दवाई लेनी पड़ेगी इरेक्शन के लिए। हाँ, यदि जल्दी गिर रहा है, प्रीमैच्योरिटी या एक्चुअली शीघ्र पतन है, तो उससे कुछ नहीं होता। लोग लगता है कि शीघ्र पतन हो गया तो बच्चा पैदा नहीं होगा, नहीं, शीघ्र पतन हो गया, वीर्य अंदर गया मतलब बच्चा पैदा हो सकता है। लोग लगता है कि वीर्य बाहर आ जाता है करके बच्चा पैदा है, नहीं, एक बूंद भी अंदर आता भी चलता है, क्योंकि 1 ml में 20 मिलियन से लेके 120 मिलियन तक, मतलब 2 करोड़ से 12 करोड़ रहते हैं। हमको तो एक ही चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, तो अंदर जाना जरूरी है वीर्य, बाहर आया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर गया तो बराबर फर्टिलिटी हो जाएंगी और बच्चा पैदा होगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MC चालू होने का पहला दिन, वहाँ से गिनना चालू करो, 11th डे टू 17th डे, 11 से 17 दिन, ये बहुत फर्टाइल डेज होते हैं, उस समय संभोग करना चाहिए। बाकी दिन फिर होगा नहीं होगा पता नहीं, चांसेस कम है बाकी दिन होने के। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है लिंक दी हुई ऐप की। और वैसे ही आप
टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।